तो प्रिफरेंस हम लोग किस किस को देंगे? सबसे पहले प्रिफरेंस किसको देना बताओ? फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप्स को। ग्रुप्स, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, फिर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर लोएस्ट लोकेंट रूल रूल, फिर उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो दिस इज द प्रिफरेंस ऑर्डर। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? नो ओके। और इसके बाद हम लोग ने और क्या देखा? अगर दो फंक्शनल ग्रुप है, अगर दो फंक्शनल ग्रुप्स है तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या बनेगा? सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या बनेगा? सफिक्स। और जूनियर फंक्शनल ग्रुप क्या बनेगा? जूनियर फंक्शनल ग्रुप क्या बनेगा? प्रीफिक्स। क्लियर? यस। ये भी हम लोग ने देखा था। जूनियर फंक्शनल ग्रुप बिकम्स द प्रीफिक्स एंड सीनियर फंक्शनल ग्रुप बिकम्स व्हाट? यस, इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप का डिस्कशन कर रहा है, इसमें हम लोग देख रहे हैं। इस फंक्शनल ग्रुप अगर ऐसा हुआ तो हम लोग प्रिफरेंस किसको देंगे? सीनियर फंक्शनल ग्रुप विल बिकम द सफिक्स एंड जूनियर फंक्शनल ग्रुप विल बिकम प्रीफिक्स। ओके, फिर इसके बाद फंक्शनल ग्रुप्स का ऑर्डर क्या है? तो मोस्टली पहले कौन है? सब एसिड है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, COH, which is carboxylic acid. Then and its derivatives. And its derivatives. तो derivative क्या है? Carboxylic acid में से पानी निकाल दो। Carboxylic acid में से अगर हम लोग ने पानी निकाल दिया तो what will be left with is COH और H2O निकाल दो। Will be left with this. Yes or no? So this is what acid एनहाइड्राइड कैसे किया था हम लोग ने? COH और दूसरा COH। सो वील टेक ऑफ वॉटर एंड वॉट विल गेट इज सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ डैश। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसिड एनहाइड्राइड। ओके, तो दिस इज हाउ वी गेट एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मीन्स वॉटर निकाल दो। ओके, फिर फोर्थ वन क्या है? एसिड डेरिवेटिव्स लाइक एस्टर। COOH में OH के बदले क्या लगा दो? OR, इट विल बी कॉल्ड एस्टर। एस्टर, फिर उसके बाद COCl, दिस इज एसिड, एसिड हैलाइड, हैलाइड। This is amide. Okay. फिर इसके बाद क्या? Sir, your voice is not coming clearly. Okay. अभी आ रहा है बराबर? Seventh one. अभी आ रहा है? Yes sir. Now it. अब इसमें से पानी निकाल दो amide में से. तो we'll get C triple bond in. It is called as nitrile group. Nitrile. फिर aldehyde ketone. Aldehyde ketone. This is aldehyde. And then we have ketone. And then we have alcohol. Then we have thiol. And then we have amine. और यहां पे सब में मोस्टली कार्बन है, इसको छोड़ के और ये सेकंड वन को छोड़ के, विच इज सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड विच इज SO3H। ओके, सो सेकंड वन इज द एक्सेप्शन एंड लास्ट थ्री आर द एक्सेप्शन। लास्ट थ्री एंड सेकंड, तो दे डोंट हैव कार्बन इन इन देम। क्लियर है ये? अदर ऑल फंक्शनल ग्रुप्स हैव कार्बन। क्लियर है? यस यस सर। Yes. So have you written this preference order? Carboxylic acid, sulfonic acid,
कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद एसिड एनहाइड्राइड एस्टर एसिड हैलाइड एसिड एमाइड ऑल दिस आर व्हाट एसिड डेरिवेटिव्स एसिड से हम लोग ने डिराइव किया कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मूले में कभी यहाँ पे क्या है OH लगा हुआ है कभी यहाँ पे क्या है ये लगा हुआ है कभी यहाँ पे ये लगा हुआ है कभी यहाँ पे CL लगा हुआ है हैलोजन या फिर अमीन NH2 ग्रुप ओके सो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी लिस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड यस तो लिख दिया ये नो सर राइट दिस Then, no sir, the 1 minute. Okay, is it done? Yes, sir. Okay. Everyone completed? No sir, 1 second. Okay. Then write in the next line. Except ketone. All the carbon containing. Functional groups. Get number one position. Yes, ketone को छोड़ के सारे carbon containing functional groups को क्या मिलेगा number one position. Ketone, alcohol, मतलब OH, thiol. And amine. Try to get least position. Okay. इतना लिख दो इसका मतलब हम लोग समझेंगे. Write this. लिख दिया यस हैव यू रिटन यस नो सर राइटिंग ओके यस कुछ डाउट था किसी ने डाउट पूछा Yes, किसी ने डाउट पूछा क्या जल्दी बोलो नो सर नो नो डाउट सर डन ओके
So let us take some examples. Okay. First, let us take alcohols. पहले हम लोग क्या लेंगे? Alcohols. Okay. तो alcohol का functional group कौन सा है? OH. So functional group is OH. Suffix और prefix क्या है? If alcohol is in prefix, we call it hydroxy. What do we call? Hydroxy. If alcohol is used as suffix, we call it OL. Alcohol. OL. Okay. Alcohol से क्या आएगा? OL. OL. Clear है? Okay. So this is the convention. Okay. So write this. जैसे example one. CH3OH. इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे हम लोग फंक्शनल ग्रुप क्या है? इथेनॉल एंड ओनली वन कार्बन एटम. सो मीथ एन. फिर लास्ट में सफिक्स क्या आएगा? ओएल. ओएल. फिर एग्जांपल टू. सर MeTH है ना? हाँ MeTH. एग्जांपल टू. ऐसा कुछ किया अगर तो व्हाट विल बी कॉल्ड दिस? प्रोपेन है. हाँ है ना? यस. तीन कार्बन आइटम. प्रोपेन थ्री ओएल. आइदर वी टॉक अबाउट दिस साइड वन टू थ्री लाइक दिस. सो दिस इज प्रोपेन. दोनों में टू ही आएगा. प्रोपेन टू ओएल. ओके क्लियर? यस. जस्ट राइट दिस. Have you written? Yes, sir. Sir, क्या करें? एक मिनट नहीं हुआ. Yes, write fast. Okay, written? Yes, sir. Okay, so CH3, OH. So longest carbon chain कौन सा है? ये वाला. So let us number. Whether I'll number from this side like this, ये बराबर है या तो फिर ये blue वाला. Which one? Sir, blue वाला functional group को preference मिलना चाहिए. Blue one is the correct one. Blue is what? Correct. क्यों? Correct. Functional group को preference मिलना चाहिए. OH group will get preference. Okay. So what will be the name? 3-methyl butane 2-ol. Clear? Yes or no? Yes. Okay. Example 4. Okay, what will be the name? First of all, this is the longest carbon chain. So this is 1, 2, 3 from any side. So 2-methyl propane 2-ol. Clear? Yes. Yes. Okay. So this is how we'll name alcohol. Okay. For example, 5. So what is this? Cyclohexane. So we'll have cyclohexane ol. Clear? Yes. Example 6. What is this compound? Suppose we have only 5 carbon atoms. 5 carbon atoms carrying. So cyclopentanol hona chahiye. Haan hai na? No, sir, methyl भी है. साइक्लोपेंटेनॉल होना चाहिए. लेकिन मिथाइल ग्रुप भी है ना? साइक्लोपेंटेनॉल होना चाहिए इसके हिसाब से. एंड मिथाइल ग्रुप भी है. सो वी विल हैव व्हाट? दिस इज पोजीशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस. यस. 2-methyl cyclopentane 1-ol. यस. 1-ol नहीं बोलेंगे, पेंटेनॉल काफी. पेंटेन. क्लियर? 1-ol लिखा तो भी चलेगा. यस.
Just an example, sir. Suppose we have something like this. So where we'll start numbering from? OH. OH से नहीं करेंगे, यहाँ कार्बन नहीं है ना, कार्बन को नंबर वन देंगे. Sir, I mean right side से. OH. Yes, so five. Sir, right side से. Sorry. ये वाला. Yes, क्या बोला तुमने? Yes, okay, right side से बोला. Okay, ठीक है. So this is pent because we have five carbon atoms. Okay. And we have alkene. Alkene at three position. Alkene is at which position? Three position. Yes or no? Yes. Yes. So pent three ene. अभी कोई बोलेगा कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलना चाहिए. आउट ऑफ अल्कोहल एंड डबल बॉन्ड किसको प्रेफरेंस मिलेगा? अल्कोहल को. फंक्शनल ग्रुप है वो. फंक्शनल ग्रुप गेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी. ये मैंने पहले ही बताया था. यस. प्रायोरिटी किसको है? फंक्शनल. फंक्शनल ग्रुप्स को. यस. पेंट थ्री इन. देन वी हैव व्हाट? वन ऑल. वन ऑल. यस. तो इसका नाम लिखो. ये वो अल्कोहल वाला पेज दिखाओगे एक मिनट. यस. कौन सा वाला? पिछला पेज बोलो. कौन सा बोला? तो जिसने अपनी फंक्शंस के टाइप लिखना चालू किया ना अल्कोहल. इसका फोटो निकाल लो. फोटो निकाल लो. यस सर. डन. हो गया? हां सर. ओके. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अल्कोहल्स. ओके. So after alcohols, let us start with next ones. Okay. हम लोग के पास और क्या है? Carboxylic acid है, acid anhydride है, ketone है, ester है, बहुत सारा है. Okay. So let us start with something. तो alcohol वाला page दिखाओगे एक बार? Okay, alcohol. Okay. Thank you, sir. Okay. So after this, let us start with carboxylic acid. Okay. After alcohol, पहले carboxylic acid ही देखना चाहिए था, but ठीक है. कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो. नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड. यस. तो इसमें हम लोग का फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOH. यस, COOH. और सफिक्स क्या है और प्रीफिक्स क्या है? इसका प्रीफिक्स हम लोग नहीं लेते क्योंकि यही फर्स्ट ग्रुप है. समझाइए. यस. दिस इटसेल्फ इज द फर्स्ट ग्रुप. समझाइए. पहला ग्रुप यही लेते हैं. प्रीफिक्स का बात ही नहीं है. सफिक्स ओइक एसिड आए. सफिक्स ओइक एसिड आए. ओइक एसिड प्रीफिक्स नहीं. एंड फंक्शनल ग्रुप इज COOH. सो व्हाट इज द फर्स्ट एग्जांपल? सपोज वी हैव द सिंपलेस्ट पॉसिबल कार्बोक्सिलिक एसिड. यहाँ पे H लगा दिया तो HCOOH. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन नेम है मिथेनोइक एसिड. फॉर्मिक एसिड. कॉमन नेम क्या है? फॉर्मिक एसिड. और इसका दूसरा नाम क्या आएगा? रूट मिथेनोइक एसिड. और ऑइक एसिड. ऑइक एसिड सफिक्स. सफिक्स. दिस इज द सफिक्स. दिस इज द रूट नेम. क्लियर? यस. राइट दिस. Sir, done. Okay. Sir, 1 minute. Sir, yes. Did you? Yes. Yes, sir. Now, if we do something else, okay, कुछ इस तरह से, CH3COOH. तो इसका नाम क्या है? इसका कॉमन नेम तो सबको पता ही है. इथेनोइक एसिड. इसका कॉमन नेम एसिडिक एसिड. एसिडिक एसिड. और ऐसे क्या आएगा? टू कार्बन. इथेनोइक एसिड. दिस इज सफिक्स. एंड दिस इज रूट नेम. क्लियर? यस. लिख दो.
Yes, I done. Okay. Next example. अब propanoic acid में नहीं लिख रहा है, समझ गया सबको? इसका नाम क्या होगा? कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 है? 7. 6 है या 7 है? बताओ. 7. 7. तो बताओ कहां से नंबरिंग चालू करूं? From where should I start numbering? From this carbon? Shall I number from this carbon like this? I know. Is it correct? Yes. Yes. Okay. इसका नाम क्या आएगा? Heptane है. तो heptanoic. Clear है? Yes. Yes. इतनी कोई. मैंने बताया सेकंड रूल में एक्सेप्ट कीटोन ऑल द कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप गेट नंबर वन पोजीशन. नंबर वन पोजीशन पे आएगा. ओके क्लियर? यस. इस तरह का एग्जांपल. This, what will be the name of this? Where should I start one from? Should it be like this? ये बराबर है क्या? No sir, right to left होना चाहिए. क्यों? Double bond भी है और yes बराबर. और functional group भी है. Correct. तो double bond के हिसाब से right से होना चाहिए. Double bond को पहला preference मिलेगा. समझ में आया? Yeah. Yes. अब नाम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? 6. तो क्या आएगा? Hex. और फाइनल सफिक्स क्या आएगा? ऑइक एसिड. Yes. लेकिन यहाँ पे दो है तो क्या आएगा? डाई ऑइक एसिड. दो है ना सीओ एच. डाई ऑइक एसिड. अब उसके बाद अल्काइन भी है और डबल बॉन्ड भी है. तो व्हाट विल वी डू? बोलो सर. 2-ene, 4-ine. यस, 2-hexene, 4-ine. ओके, सो डू यू नेम 2-hexene, 4-ine. फिर इसके बाद डायऑइक एसिड. डाय सर ऐसे नहीं लिख सकते. हेक्स 2-ene, 4-ine dioic acid. चलेगा. Hex 2-ene, 4-ine dioic. Okay. ठीक है. Yes. Yes, to write this. Done. ये बेंजीन रिंग बना. What will be this name? बेंजीनोइक एसिड. नहीं नहीं यहाँ पे देखो ये दो कार्बन है. कितने कार्बन है? हाँ सर दो है. तो रूट नेम में हम लोग दो कार्बन लेंगे. फिनाइल को सब्स्टिट्यूट मानेंगे. मैंने क्या बताया था ये ग्रुप कौन सा होता है? फिनाइल. तो फिनाइल इथेनोइक एसिड ऐसा होना चाहिए कि नहीं? दो कार्बन है मतलब इथेनोइक एसिड है ना. अब ये पोजीशन नंबर गिनते हैं हम लोग. पोजीशन नंबर. तो पोजीशन नंबर क्या आएगा? यहां पे कार्बन का आएगा 1 for 2. ओके. अब फिनाइल ग्रुप किस कार्बन से अटैच्ड है? 2 कार्बन से अटैच्ड. सेकंड कार्बन से. इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-phenylethanoic acid. Yes, sir. 2-phenylethanoic acid. This is phenyl group at 2 position. 2-phenylethanoic acid. Clear? Yes, sir. Yes, sir.
इसको लिख दो ये 2-phenylethanoic acid. The sixth one. ये क्या हुआ? We can number from here. Yes. तो butanoic acid होगा कि नहीं? ऐसा होना चाहिए कि नहीं? लेकिन यहाँ दो एसिड ग्रुप है, दो, इसलिए क्या होगा? ब्यूट 1.4 डायोइक एसिड, ब्यूटेन 1.4 एसिड. अब किस पोजीशन पे 1.4 पे है कि नहीं? यस. इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? ब्यूटेन 1.4 डायोइक एसिड, 1.4 डायोइक एसिड. क्लियर? Yes. Yes, तो अभी इसमें किसी को भी डाउट रहा एसिड में? नो सर. नो सर. यस, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. yes, और कुछ आया एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका. सेवेंथ एग्जाम्पल. यस, ये वाला एग्जाम्पल का आंसर दो. लंबा ले लेता हूं. यहां पे COH, यहां पे भी COH, और यहां से CH3 दिखाने का जरूरत ही नहीं है, समझाइए. Yes. How will be number? बताओ. यहां से अगर नंबर किया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ब्लू वाला नंबरिंग किया तो 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 तो कौन सा वाला सही है? ब्लू या रेड? ब्लू या ग्रीन? Which one is correct? पर्सन लॉन्गेस्ट चेन तो वो वाला नहीं है, तो ग्रीन राइट है. इससे लंबा ये हो सकता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये भी हो सकता है. यस यस, तो ब्लू वाला ही सही है क्योंकि फिफ्थ और फर्स्ट पे आ रहे हैं. लेकिन सुनो सुनो, ये लॉन्गेस्ट चेन अगर ले लिया जैसा तुमने बताया तो फंक्शनल ग्रुप रह जाएगा कि नहीं? पहला प्रायोरिटी लॉन्गेस्ट चेन फंक्शनल ग्रुप को है. पहला प्रायोरिटी किसको है? फंक्शनल ग्रुप, फिर नंबर ऑफ नंबर. क्लियर है? Yes. अब कार्बन एटम्स बाद में. ओके, समझ में आया? तो इन दोनों में से चूज. यस सर. इन दोनों में से कौन सा आएगा? इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है? ब्लू वाला या कौन सा? ब्लू या ग्रीन, जल्दी बोलो. इज ब्लू करेक्ट और इज ग्रीन करेक्ट? कौन सा करेक्ट है एंड व्हाई? बोलो जल्दी. सब ग्रीन हो. ग्रीन करेक्ट. हाँ, ग्रीन करेक्ट. ब्लू गलत क्यों? सर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है COH. नहीं, लेट मी टेल यू व्हाई ग्रीन इज करेक्ट. ये कौन सा ग्रुप है? प्रोपाइल ग्रुप. Yes, ये कौन सा ग्रुप है? और वो इथाइल ग्रुप. तो कौन सा सही होगा इन दोनों में से? प्रोपाइल. प्रोपाइल. प्रोपाइल क्यों? प्रोपाइल. यस, बोलो. प्रोपाइल लेना है, इथाइल लेना है, बताओ. प्रोपाइल. प्रोपाइल क्यों आएगा, इथाइल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें ज्यादा ओ कार्बन एटम्स है. इस लेकिन कार्बन एटम्स तो लिया ही नहीं हम लोग. देखो, अब हम लोग के पास कैसा है, देखो, ज्यादा कम वाला बात नहीं है. ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है. यस और नो? दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज आल्सो अ सब्स्टिट्यूएंट. सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट लीस्ट नंबर, है ना? अगर इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको 4 या 3 मिल रहा है. प्रोपाइल को 2 या 5 मिल रहा है. तो लोएस्ट नंबर किसको मिल रहा है? प्रोपाइल को 2 है ना. yeah. ब्लू वाला लेंगे तो इथाइल को 3 मिलेगा, ग्रीन वाला लेंगे तो प्रोपाइल को 2 मिलेगा.
तो लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए कि नहीं सब्स्टिट्यूएंट को, है ना? yes. इसीलिए प्रोपाइल सही है, अल्फाबेटिकली तो इथाइल पहले आएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नहीं देखते, अल्फाबेटिकल देखते हैं, समझा अरमान? yes, इसका नाम क्या आएगा? ग्रीन, करेक्ट, बिकॉज सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लीस्ट नंबर. क्यों? सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर. ओके, सो हेंस वी हैव सिलेक्टेड दिस ग्रीन. ओके, जस्ट बताओ नाम क्या आएगा? इथाइल ग्रुप ई पहले आएगा, ई पहले लिखेंगे. फिर टू पे कौन है? प्रोपाइल. प्रोपाइल. फिर क्या है? डायोइक एसिड है और छह कार्बन एटम. हेक्सेन, डायोइक एसिड. क्लियर है? सर 1.6 लिखना. हाँ 1.6 भी लिख सकते हैं. यस, डायोइक के बाद 1.6. नहीं ऐसे भी चलेगा? चलेगा, नहीं लिखेगा तो भी मतलब ठीक है, लिखना अच्छा है. यस, हेक्सेन. एक्सेल 1.6 1.6 डायोइक. ओके, क्लियर है? यस, लिखना अच्छा है, लिखना पड़ेगा बल्कि. ओके सर 1 मिनट. Yes, now everyone is understanding this. Yes or no? Yes, sir. Yes, Aditya, समझा ये? हाँ सर, समझा. Okay, green वाला क्यों select किया? क्योंकि substituent को least number मिलना चाहिए. तो यहाँ पे 2 मिल रहा है. और blue वाला करते तो 3 मिलता substituent को. तो हम लोग ने substituent के हिसाब से किया है. देखो preference order में substituent भी आता है, हाँ ना? Number of substituents. Okay, हाँ ना? फिर बाद में alphabetical आता है, last में. अल्फाबेटिकल लास्ट में. सर डन नाउ. डन. ओके, तो नेक्स्ट लिखो अमीन्स. अमीन्स मतलब फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बोलो? अमीन्स में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? NH2 लिखा था कि नहीं? यस. सफिक्स और प्रीफिक्स का बात करते हैं. प्रीफिक्स क्या आएगा? अमीनो. और सफिक्स क्या आएगा? अमीन. इस पे टेबल बाहर करना है. फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स, सफिक्स. जैसे हार्ड लग रहा है क्या? इस स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्ड लगेगा. इस बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड लगेगा, फिर धीरे धीरे हो जाएगा ये. यस, जैसे एग्जांपल के लिए देखो, ये अमीन्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. तो ध्यान दो, CH3CH2NH2 इज इट अमीन? यस. सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है इससे भी? CH3. इसका नाम क्या आएगा? मीथान अमीन. क्लियर है? अगर CH3CH2NH2 किया तो इसका नाम क्या आएगा? इथेन अमीन. क्लियर है? डाउट है? यस, तो लिखो ये. राइट दिस. यस, जैसे अमोनिया क्या है हमारे पास? अमोनिया NH3. तो अमीन में कैसा है हमारे पास? 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन. तो CH3NH2, दिस इज 1 डिग्री अमीन, बिकॉज नाइट्रोजन इज अटैच टू 1 कार्बन. तो 2 डिग्री अमीन कौन सा होगा? समथिंग लाइक दिस, CH3CH2NH और यहाँ पे CH3. यहाँ पे नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से. एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से. तो इसीलिए इसको क्या बोला? 2 डिग्री अमीन. नाइट्रोजन अटैच टू 1 कार्बन. यहां पे क्या है? नाइट्रोजन अटैच टू 2 कार्बन. क्लियर है? यस सर, क्लियर है. बस 3 डिग्री अमीन में क्या होगा? 3 कार्बन के साथ अटैच.
क्वार्टरनरी अमीन में क्या होगा? फोर कार्बन सेट है, फोर कार्बन, यस क्लियर है, यस तो लिख दो ये पूरा सर, ये वाला भी लिखना है वन डिग्री अमीन, हाँ हाँ यस यस ये सब लिखना है। यस लिख दिया नहीं सर, नहीं लिखा अभी तक, यस लिख दो फिर, लिख दिया अभी, हो गया? हाँ सर, यस। अब देखो थोड़ा ब्रांचिंग वाला देखते हैं हम लोग, CH3CH यहाँ पे NH2 लगा दिया, फिर CH2CH2CH2 और एक CH2 लगा देते हैं और यहाँ पे NH2, यस तो बताओ क्या नाम आएगा? दो अमीन नहीं लगा, चलो पहले उस पहले रन दो ऐसे, व्हाट विल बी द नेम? सर हेक्सेन टू अमीन, 1 2 3 4 5 6 है इसीलिए हेक्स, क्लियर है? यस है ना। अब फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग कहां से करेंगे हम लोग? 1 2 left to right 4 5 6 so hexane to amine, clear hai? yes okay. That's clear, okay. Agar ye NH2 group yahan pe lagate to kya hota? Hexane 3 amine. If I shift this NH2 group on this side to kya hota? Hexane 3 amine, okay. क्लियर है? यस यस तो लिख दो ये, हैव रिटन थर्ड एग्जांपल? यस सर, ऐसा बना दिया, बोलो। और 3-methyl, यस 3-methyl, क्यों? पेंट नंबरिंग कैसे करेंगे हम लोग? 1 2 3 4 5 और 3 पे मिथाइल ग्रुप है, हाँ ना? यस यस तो 3-methyl पेंटेन, क्योंकि 5 थ्री अमीन है और थर्ड पे फंक्शनल ग्रुप है अमीन, अमीन, क्लियर? यस यस, जस्ट राइट दिस थिंग, यस किसी को भी डाउट है देखो अमीन ग्रुप 3 पे है इसलिए 3-amine, अमीन ग्रुप 3 पे है इसीलिए 3-amine और 5 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 5, इसलिए पेंट, क्लियर है? और थर्ड पे फंक्शनल ग्रुप है तो 3-methyl, क्लियर? यस हां सर, यस किसी को भी डाउट रहेगा तो बताओ, डन, आगे बढ़ू? यस यस, एग्जाम्पल 4 था ना वो, लिखो नेक्स्ट बताओ। यस सर, यस एग्जाम्पल 5,
CH3 NH CH3. तो देखो कैसे सोचने का, ऐसे सोचने का, इसका नाम क्या है जो सर्कल किया है, मिथानमीन है ना, सर्कल वाले का नाम मिथानमीन आएगा। अब नाइट्रोजन से मिथाइल ग्रुप अटैच है कि नहीं, है ना, नाइट्रोजन से मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो एन मिथाइल, नाइट्रोजन से मिथाइल ग्रुप अटैच है, मिथाइल एन मिथाइल मिथानमीन। थोड़ा सा हार्ड है ये, समझ में आया, पहले तो मिथाइल मिथानमीन है ये, है ना, अब नाइट्रोजन से अटैच्ड क्या है, मिथाइल ग्रुप, इसलिए एन मिथाइल मिथानमीन। क्लियर है? यस यस सर। अब अगर ऐसा होता तो थोड़ा सा हार्ड है, व्हाट विल बी कॉल्ड दिस, पहले इसको देखो, ओके, सो दिस इज इथानामीन, यस और नो, यस, सो दिस इज इथानामीन। अब नाइट्रोजन से कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, मिथाइल, तो एन मिथाइल इथानामीन। क्लियर है? यस सर। बस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो अंडरस्टूड है वो। अब इधर देखो, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन ये है, लॉन्गेस्ट चेन ये है, समझ में आ रहा है, लॉन्गेस्ट चेन ये है। कोई बोलेगा अच्छा इसको भी ले लो ना, अरे बीच में नाइट्रोजन आ गया ना, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चाहिए हम लोग को, समझाए, समझा क्या, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में तीन नहीं आएगा क्योंकि बीच में नाइट्रोजन है, क्लियर है, तो इसलिए लॉन्गेस्ट चेन में इथानमीन आए, दो ही है, समझा क्या सर? आपने कौन कौन से लिए, एक तो मिथाइन लिया, और ये इथाइन कहां से आया, मिथाइन में इथानमीन है, देखो वापस नहीं समझा तो वापस बता देते, लेट मी एक्सप्लेन वंस, ओके, फॉर एग्जांपल 5, दिस इज स्लाइटली डिफिकल्ट, अमीन्स नेमिंग इज स्लाइटली अ डिफिकल्ट थिंग, ओके, पर अमीन में तो NH2 दोनों होते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, देखो देखो पहले देखो इधर, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन होंगे लॉन्गेस्ट चेन में बताओ, तीन होंगे कि नहीं, तीन होंगे, दो होंगे, एक होंगे, वन टू या थ्री, लॉन्गेस्ट चेन वन, कोई सोच रहा है अगर टू, तो टू नहीं है ना, क्योंकि बीच में नाइट्रोजन है, नहीं सिलेक्ट होगा, लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, क्लियर है, तो वन ही है, ओके, तो इसलिए मैंने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया, क्लियर, जो कि अमीन ग्रुप को साथ में हो, ओके, तो दिस इज मिथानमीन, क्योंकि एक ही कार्बन है ना, हाँ, yes. अब नाइट्रोजन से कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, हाइड्रोजन और मिथाइल, है ना, हाँ. अब हाइड्रोजन लिखने का कुछ इंपॉर्टेंस देने का मतलब है क्या, बहुत ज्यादा नहीं, तो हाइड्रोजन तो अंडरस्टूड है, जो भी वैलेंसी बचा रहेगा वो कौन आएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिथानमीन, क्लियर है, क्लियर है, Yes. अब देखो नेक्स्ट वन, यस, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है, टू कार्बन, तो क्या नाम आएगा, अमीन ग्रुप से अटैच्ड है, यस, इथानमीन एन मिथाइल, यस, ये मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, यस, अभी समझा, हाँ सर समझा, अभी कुछ हार्ड लगा इसमें सर, थोड़ा हार्ड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फिर एग्जांपल सर, बट धीरे धीरे समझेगा, यस, कुछ इस तरह का मामला, ब्यूटेन अमीन एन मिथाइल ब्यूटेन अमीन, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है ना, कार्बन चार बॉन्ड, तो ये कार्बन कितना बनाया, एक दो
सर एक और आएगा, क्लियर है? इसका भी क्या आएगा, इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है, 1 2 3 4, तो 4 मतलब क्या? ब्यूटेन। यस, अब एन से अटैच कौन कौन है? दो दो है, मिथाइल एंड इथाइल, एन कॉमा एन मिथाइल इथाइल ऐसा आएगा, एन एन मिथाइल एन इथाइल। यस, जगह कम पड़ रहा है यहाँ पे, एन मिथाइल ई पहले आएगा या एम पहले आएगा? ई पहले आएगा, एन इथाइल एन मिथाइल ब्यूटेन अमीन, फिर ब्यूटेन अमीन अमीन। क्लियर है? यस क्लियर है, सबको समझ में आ गया? हाँ सर समझ में, इसका भी तो समझ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, बोलो। हाँ बोलो सर, मेरे को ये इथाइल मिथाइल आपने कैसे लिया वो समझ नहीं आया। यस, इधर देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितना कार्बन, कार्बन एटम है, इधर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितना है कार्बन? 4। अरे इसमें इसमें, हाँ उसमें एक ही है, तो मिथानमीन। हाँ इसमें लॉन्गेस्ट, सेकंड वाले में कितना है, लॉन्गेस्ट वाले में? एक ही है। अरे दो है, दो है। हाँ तो क्या सेकंड में दो है, इथानमीन इथानमीन। इधर लॉन्गेस्ट में कितना है? की है, 4 है। अरे कार्बन ना सर, हाँ कार्बन 4 है, तो ब्यूटानमीन आएगा। हाँ है ना, हाँ आएगा। अब नाइट्रोजन से अटैच गया मिथाइल है तो एन मिथाइल, हाँ। यहाँ नाइट्रोजन से मिथाइल अटैच है एन मिथाइल, हाँ। यहाँ नाइट्रोजन से मिथाइल भी है इथाइल भी है, तो इथाइल मिथाइल, एन मिथाइल एन इथाइल। अब ई पहले आता है इसलिए एन इथाइल एन मिथाइल। क्लियर? हाँ हाँ क्लियर। Just to write this. Sir, done. 1 minute. Yes. Next. Done, sir. What will be named this? Longest chain mein kitna carbon hai? 3 carbons. 3 carbons. Okay. क्या आएगा इसका नाम? प्रोपेन टू अमाइन। प्रोपेन, यस ठीक है, प्रोपेन टू अमाइन। क्लियर है? यस। फिर इसके बाद ये सभी समझ गया, ये पूरा क्या और करने का जरूरत है? यस सर समझ गया। ये वाले का बोल दो, कहीं से भी 1 2 3 4 लिख सकता है, तुम्हारे ऊपर है। यस सर, हेक्सेन 1.6 अमाइन। यस हेक्सेन डायअमाइन, सॉरी डायअमाइन डायअमाइन। यस 1.6 डायअमाइन। क्लियर है ये? कितना कार्बन है बताओ, कहां से नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट से या राइट से? प्रिफरेंस सर OH से, क्योंकि अल्कोहल को मिलेगा। यस अल्कोहल को प्रिफरेंस मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। अल्कोहल को क्यों प्रिफरेंस मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये ऑर्डर में अल्कोहल पहले है या NH2 पहले, अल्कोहल है ना, अल्कोहल पहले उसको प्रेफरेंस मिलेगा, है ना? Yes. तो क्या आएगा ये, हाउ मेनी का ये कार्बन 6 तो हेक्सेन। okay? Yeah. अब अल्कोहल है तो 1 all है ना, अब ये yes. है, दिस इज द सीनियर फंक्शनल ग्रुप, तो सफिक्स हो जाएगा। यस सीनियर फंक्शनल ग्रुप, और अमाइन अमाइन का अमीनो हो जाएगा, अमाइन इज जूनियर फंक्शनल, जूनियर फंक्शनल ग्रुप, तो प्रीफिक्स होगा अमीनो, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में क्या आएगा अमीनो, और किस पोजीशन पे 6 अमीनो,
यहाँ पे लिखा था ये देखो ये रहा yes. प्रीफिक्स में क्या होता है अमीनो हो जाता है सिक्स नंबर पे क्या है अमीनो तो सिक्स अमीनो हेक्सेन वन ऑल क्लियर है यस सर क्लियर यस सर क्लियर हाँ बोलो क्या नहीं समझा नहीं सर समझ गया ऐसा क्लियर है क्लियर तो लिख तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा वैसे ही मैं बोला ऑलमोस्ट 100 एग्जांपल लेंगे इसको धीरे 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 हो जाएगा क्या हुआ अभी नेक्स्ट करूं यस सर नेक्स्ट परफेक्ट यस नेक्स्ट दिख रहा है कीटोन्स कीटोन्स ये सब 12th स्टैंडर्ड में तुम्हें नामकरण आएगा ये नाम तुम्हें 12th स्टैंडर्ड में देना तो फंक्शनल ग्रुप क्या है तो सी डबल बॉन्ड हो यस और नो यस और प्रीफिक्स क्या है ऑक्सो सफिक्स क्या है ऑन ओएन राइट दिस टेबल ऐसा लिख दो हाँ बोलो ना सर आप ये प्रीफिक्स सफिक्स ये लर्न करना पड़ता है हाँ याद रखना पड़ता है यस यस लर्न करना पड़ेगा यस जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल ये थ्री डबल बॉन्ड हो सीएच थ्री इसका नाम क्या आएगा देखो तीन कार्बन है लॉन्ग चेन में कितने हैं तीन थ्री कार्बन और सेकंड पोजीशन पे क्या है इसका नाम ऐसे देंगे कि 1 2 3 हाँ है ना कीटोन को हम लोग लोएस्ट नंबर देते हैं ऐसा नहीं कि कीटोन को हम कर दें तो थ्री है इसलिए प्रो और कितना ओन टू सेकंड ओन टू ओन प्रोपान टू ओन प्रोपेन प्रोपेन टू ओन प्रोपेन टू ओन क्लियर है यस सर क्लियर है यस अब इसके बदले अगर ऐसा किया तो इसका नाम क्या होगा ब्यूटेन टू ऑन यस ब्यूटेन अब देखो नंबरिंग कहां से करना है ऐसे करना पड़ेगा हाँ है ना यस सर यस क्योंकि इसको लोएस्ट नंबर मिला नंबर आना क्या बोला था लोएस्ट नंबर कीटोन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए मैंने बताया था हाँ है ना यस कीटोन अल्कोहल ओएच शुड गेट लीस्ट पोजीशन लोएस्ट नंबर हाँ ना लीस्ट पोजीशन के लिए क्या बोल सकते हैं लोएस्ट नंबर इन लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन लोएस्ट नंबर मतलब वन होना नहीं जरूरी समझाइए yes. तो ये क्या आएगा ब्यूटेन टू ऑन अब ऐसे ही और एक एग्जांपल ले लिया अभी समझ गया तुम्हें yes. इसका नाम क्या आएगा सिंपल पेंटेन थ्री ऑन थ्री ओन क्लियर है yes, sir, clear है किसी को भी डाउट रहेगा तो बता दो no, sir. Yes. और इसका नाम और एक होता है एसीटोन इसका और एक नाम क्या होता है एसीटोन घर पे बहुत बार एसीटोन बोर्ड साफ करने के लिए बोर्ड साफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एसीटोन है ना तो इसका और एक नाम लिख दो एसीटोन यस सर यस सर कीटोन में अभी और कोई डाउट है किसी को कीटोन में नो सर नो सर तो ये लिख दिया सब लोग ने यस नेक्स्ट
एग्जाम्पल फोर ये कौन सा ग्रुप है यहाँ पे बेंजाइल ग्रुप बेंजाइल नहीं सर यस फिनाइल ग्रुप हाँ दिस इज फिनाइल यस दिस इज आल्सो फिनाइल ओके इसका इसका नाम क्या होना चाहिए यस नंबरिंग कहाँ से करेंगे ये तो अकेला ही है यस तो वन मिथेनॉन अगर बनाना है हम लोग को तो कैसे करेंगे फिर भी अगर सर तो इथेनॉन और मिथेनॉन दोनों नहीं होता प्रोपेनॉन से चालू होता है ऐसे ऐसे अगर बनानी है तो ये क्या हो जाएगा मिथेनॉन ना. एक ही कार्बन है हाँ ना वन कार्बन yes. और ये क्या हो जाएगा ये तो अल्डिहाइड हो जाएगा ये सॉरी yes. ग्रुप आ गया तो ये क्या हो गया अल्डिहाइड ऊपर वाला भी सर अल्डिहाइड अब ये कर दिया ये तो ये क्या हो गया प्रोपेनॉन देखो ये बीच में एक एक्सेप्शन आ रहा है ये अल्डिहाइड वाला ये बीच वाला अल्डिहाइड आ रहा है क्लियर है yes. एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या हो गया अल्डिहाइड तो ये मिथेनॉन जैसा ही है लेकिन क्या है यहाँ पे दो फिनाइल ग्रुप है हाँ ना बाय फिनाइल yes. दो फिनाइल ग्रुप है डाय फिनाइल लिखो बाय फिनाइल तो मिथेनॉन क्लियर है yes. Yes, लिखो ये ये सब 12th में आएगा यस हाँ तो 12th हो 11th हो ये हम लोग उसके हिसाब से देख रहे हैं किसके हिसाब से नोमेनक्लेचर के हिसाब से ओके ओके सर यस सर और इसका जनरल नाम क्या होगा जनरल नाम विल बी बेंजोफिनोन क्या है बेंजोफिनोन कॉमन नेम Common name is benzophenone. Diphenyl, क्या नाम है इसका Diphenyl. Diphenyl methanol. Clear है सबको ये Yes, sir, clear है A Common name क्या है Benzophenone. 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 Yes, तो आप सबको समझ गया यस yes. यस yes. अब सोचो जैसे हमारे पास मिथेनॉन है ऐसे इथेनॉन होगा क्या सोचो ये सोच के बताओ नो सर क्यों नहीं होगा क्योंकि ये अल्डिहाइड आपने अभी तो बता अल्डिहाइड बन जाएगा क्लियर है समझा तो इथेनॉन yes. तो ये सबको अभी समझ में आ गया कीटोन का नाम कैसे करने का यस 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 ठीक है लिख दिया सब लोग ने यस सर यस सर डन तो नेक्स्ट देखो अल्डिहाइड इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है CHO. प्रीफिक्स क्या है ऑक्सो और इसका दूसरा उसका भी ऑक्सो हाँ यस यस या फिर इसका कभी कभी फॉर्माइल भी लिखते हैं और सफिक्स और सफिक्स है आल AL यस तो लिखो ये यस सर One minute.
यस, पहले सिर्फ देखते जाओ, धीरे धीरे ये सब नाम अपने आप आएगा। पहले थोड़ा ऑब्जर्व करो कैसे कर रहा है, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे ये सब आने लगेगा। एकदम से नहीं आएगा, इस पहला दिन ऐसा मत सोचो कि ये सबको आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आएगा। यस सर, डन। अब देखो सिंपल सा चालू करते हम लोग। एच सी एच ओ, इसका नाम क्या होगा? मिथेनॉल। यस मिथेनॉल, क्योंकि एक ही कार्बन है, एक कार्बन मतलब मिथ और आल मतलब सफिक्स, अल्डिहाइड इसलिए आल, अल्डिहाइड है इसलिए क्या आएगा? आल। आल। अब इसका नाम क्या आएगा तुम इजीली बता सकते हो? इथेनॉल। इथेनॉल। यस, अब ये क्या आएगा? बोलो जल्दी। प्रोपेनॉल। अभी तो इजी लग रहा है, तीन कार्बन को प्रोपेनॉल। यस सर। यस, अब थोड़ा इसमें एक्सेप्शन देखते हैं हम लोग। एक्सेप्शन अगर ऐसा है, बेंजीन रिंग और ये सी एच ओ, तो इसको हम लोग को क्या बोलना चाहिए? ऐसे तो फिनाइल बोलना चाहिए, है ना? Yes. लेकिन इसको ऐसा ना बोल के, जब भी सी एच ओ ग्रुप से बेंजीन रिंग अटैच्ड है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बेंजीन, बेंजीन एज इट इज। और हाइड्रोजन हटा के सी एच ओ ग्रुप लगाया कि नहीं? कार्बाल्डिहाइड। Yes. इस ग्रुप को हम लोग उस केस में क्या बोलते हैं? कार्बाल्डिहाइड। ओके, ऐसा आईयूपीएसी का नोमेनक्लेचर है। ये CHO ग्रुप क्या बन जाएगा? इधर बेंजीन रिंग से अटैच्ड है तो क्या बन जाएगा? कार्बाल्डिहाइड, बेंजीन डिहाइड। यस, ये भी लिख देता है यहाँ पे, CHO ग्रुप अटैच्ड टू बेंजीन इज कॉल्ड व्हाट? कार्बाल्डिहाइड, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। CHO ग्रुप से इसको उसको क्या बोलेंगे? कार्बाल्डिहाइड। क्लियर है? Yes. Yes, next लिखते हैं हम लोग। Yes, यहाँ तक पूरा समझ गया। Yes, समझ गया। Yes. Fourth example होगा। करूँ next example? Yes. Yes, fourth example. CH3CH लॉन्गेस्ट चेन कौन सा लेंगे? ये वाला लेंगे कि नहीं? हाँ ना। Yes. तो क्या आएगा ये? प्रो, मिथाइल प्रोपेनॉल। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? वन टू, दोनों साइड से चलेगा। वन टू थ्री, नहीं नहीं नहीं, यहाँ से चलेगा। यस, अल्डिहाइड को नंबर, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। ओके, मिथाइल ग्रुप कौन से पे? सेकंड पे, सेकंड टू मिथाइल। और अल्डिहाइड है तो लास्ट में क्या आएगा? आल। आल। क्लियर है ये? यस सर, क्लियर है। किसी को भी डाउट आएगा तो बताओ मेरे को। अब देखो यहाँ नंबरिंग कहाँ से होगा? यहाँ से। यस, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप है। क्या लिखेंगे इसको? बी पहले आता है या एम पहले आता है? ये मिथाइल ग्रुप है, ये ब्रोमो ग्रुप है। बी पहले आता है। यस, के थ्री ब्रोमो टू मिथाइल टू ब्यूटेनॉल। यस सही, लिख दो। इसीलिए मैं बोला स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्ड लगेगा पर बाद में फिर सब इजी हो जाएगा। जैसे अभी 100 एग्जांपल लेने लेते लेते तुम्हें सब पूरा समझ जाएगा। डबल बॉन्ड हो,
ऐसा करो, इसका नाम नंबरिंग कहां से करेंगे? राइट टू लेफ्ट। तो सी क्लोरो, एम थ्री क्लोरो, क्लोरो टू मिथाइल एंड पेंटेनल। यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? कुछ हार्ड लग रहा है किसी को? यस सर। नो सर, हार्ड लग रहा है तो बताओ। अगर हम पहले पहले अगर हम टू मिथाइल एंड थ्री क्लोरो पेंटेनल ना लिखे तो चलेगा? सी पहले आता है, बाद में एम आता है, बी पहले आता है, बाद में एम आता है। हाँ, अल्फाबेटिकली। हाँ हाँ, ये अल्फाबेटिकली क्लियर। ओके हाँ सर। यस, किसी को भी डाउट आया ये सब में? बोलो जल्दी। नो सर। नो सर, नो डाउट। नो सर, नो No doubt. हाँ. Yes. The six हो गए. The seven. ये सभी तो easy लग रहा होगा एकदम. Yes. Numbering कहाँ से होगा? Right to left. Right to left. मिथाइल और ब्रोमो कौन पहले आएगा? फोर ब्रोमो, थ्री मिथाइल, हेप्टेनॉल। यस, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। इसको क्या बोलेंगे? फिर से बेंजीन जैसा है, तो साइक्लो हेक्सेनॉल, कार्बाल्डिहाइड। क्योंकि ये जब भी रिंग वाले स्ट्रक्चर से अटैच हो तो इसको कार्बाल्डिहाइड बोले। ओके सर। ओएच और सीएचओ में किसको प्रेफरेंस है? अल्डिहाइड है ना, इसको प्रेफरेंस। यस, क्योंकि अल्डिहाइड, कीटोन, फिर अल्कोहल आता है। देखो पहले कौन आता है? अल्डिहाइड, कीटोन, फिर अल्कोहल। क्लियर है? यस यस सर। प्रेफरेंस मिलेगा अल्डिहाइड को। अल्डिहाइड तो वन, फिर अल्कोहल है ना। यस यस। अब यहाँ पे क्या है? साइक्लोपेंटेन है ना। यस, तो वर्ड में साइक्लोपेंटेन आना है और कार्बाल्डिहाइड भी आना है। Yes. अब कार्बाल्डिहाइड किस पोजीशन पे? टू ऑक्सो, वन पोजीशन पे कार्बाल्डिहाइड। अब देखो OH ग्रुप प्रीफिक्स होगा यहाँ पे, या ये कौन है? जूनियर। ये कौन है? तो प्रीफिक्स होगा, ये सीनियर फंक्शनल। और ये कौन है? जूनियर फंक्शनल। तो जूनियर प्रीफिक्स हो जाएगा है ना। Yes. अल्कोहल का प्रीफिक्स टू हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी और किस पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन। तो टू हाइड्रोक्सी। समझ में आया मैंने कैसे नाम लिखा ये? यस, सीनियर फंक्शनल ग्रुप सफिक्स हो जाता है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स बन जाता है। इज इट ऑल क्लियर द वे वी आर डूइंग? यस क्लियर। यस, किसी को भी डाउट रहेगा तो बताओ। इसको लिखो, देखो सेट ऑफ रूल्स है। अगर हम लोग ने सब एक साथ देखा तो भले ही थोड़ा सा स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होता है, लेकिन फायदा ये होता है कि क्या हम लोग पूरा स्टोरी एक साथ समझ सकते हैं। समझाइए, नहीं तो सोचो अगर तुम एक एक चैप्टर वाइज पढ़ोगे तो कितना झंझट होगा। यस और नो? यस सही, इजी पढ़ेगा। यस, एक साथ देखेंगे तो इजी पड़ता है, और चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो ये बहुत झंझट होगा। Have you written? Sir, 1 minute. No, sir.
ऐसे हो गया क्या क्या हो गया लिख के यस डन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो ईथर इसका फॉर्मूला आर ओ आर अल्काइल ऑक्सीजन अल्काइल आर डैश ओ आर लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं आर डैश ओ आर ठीक है आर डैश ओ आर आर डैश ओ आर अब आर डैश कौन सा है लेस नंबर ऑफ कार्बन लेस नंबर ऑफ कार्बन और मान लो ये क्या है मोर नंबर ऑफ कार्बन ओके तो ये क्या आएगा लेस नंबर ऑफ कार्बन है इसका अल्कोक्सी बन जाएगा और ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा अल्केन क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन में क्या होता है रूट नेम होता है कि नहीं ऐसा ऐसा हम लोग का ऑर्डर है इसका मतलब क्या हम लोग देखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल CH3OCH3 इसका नाम क्या आएगा मीथ ऑक्सी मीथेन सेकेंड CH3OCH2CH3 अभी इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा हमें ये रूट नेम आएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ना यस मीथॉक्सीथेन इथेन अब इधर क्या आ जाएगा मीथ मीथॉक्सी क्लियर है यस सर फिर थर्ड वन थोड़ा सा हार्ड ले लेते हैं हम लोग फॉर एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन बनाया क्या बनाया साइक्लोहेक्सेन और यहाँ पे हम लोग ने इथाइल ग्रुप बना दिया तो ज्यादा कार्बन किसमें साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन यस पहले क्या आएगा इथॉक्सी यस इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन किसका है साइक्लोहेक्सेन है ना यस साइक्लोहेक्सेन किस पे लिखो ये हो गया बहुत सवाल मेरे यस सर डन यस ये वाला लिखो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है ये वाला या ये वाला राइट वाला तो ये लॉन्गेस्ट चेन है दो कार्बन एटम का लॉन्गेस्ट चेन है कि नहीं यस दो कार्बन है दो कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन तीन कार्बन तीन तीन कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है ये बनेगा ना लॉन्गेस्ट चेन है ना यस दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन तो प्रोपेन आएगा और प्रोपेन तो लिख दिया मैंने ये समझा प्रोपेन क्यों लिखा लॉन्गेस्ट चेन से लिख सर टू मिथाइल भी आएगा ना यस टू मिथाइल बाद में लिखेंगे पहले प्रोपेन लिख दिया लॉन्गेस्ट चेन अब लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग यस और मिथॉक्सी तो नंबरिंग किया तो कहां से आएगा 1 2 3 अब यहां पे टू मिथाइल भी है टू मिथाइल यस प्रोपेन और उसके अलावा पहले क्या है मिथॉक्सी ग्रुप मिथेनो यस मिथॉक्सी टू मिथाइल प्रोपेन और मिथॉक्सी किस पे अटैच है टू पे अटैच है समझे तो टू मिथॉक्सी टू मिथाइल प्रोपेन क्लियर है यस सर क्लियर यस तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप से अभी ये पीस पढ़ना खत्म हो गया यस एक मिनट इसे सेव कर लेते हैं
आगे और हम लोग करते हैं, जैसे ये रब करूं अभी। यस सर यू कैन। यस सर। सर हो गया, अभी रब हो गया, अभी सब कटा है बीच में सब कुछ। हाँ यस, लेकिन इसमें कुछ डाउट आया, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पर 11, 12 पूरा ये जो भी नोमेनक्लेचर है पूरा एक साथ कंप्लीट हो जाए। वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और ये फंक्शनल ग्रुप का प्रेफरेंस सफिक्स प्रीफिक्स, तो बस हो गया, खत्म हो गया, समझाइए। यस सर, इतना ही तो मेन है और कुछ खास मेन नहीं। यस सर, अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं कौन सा किया अभी हम लोग ने, ईथर का और एग्जांपल लेने का जरूरत है सर, एक साइक्लिक वाला। यस, तो ईथर साइक्लिक वाला देख लेते फिर। मान लो एक फिनाइल ग्रुप बना दिया, इसका नाम क्या आएगा? डाइफिनाइल मिथॉक्सी। फिनॉक्सीबेंजीन, नाम क्या आएगा? फिनॉक्सीबेंजीन, कैसा नाम? यस, और भी देखते हैं। यस, लिखो पहले फिनॉक्सीबेंजीन। हेलो सर। ओके सो लेट अस मूव ऑन। लिख दिया ये? यस और नो? यस सर डन। यस, तो ईथर हो गया। फिर एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? आर सी ओ सी एल। यस और नो? COCl functional group, COCl, okay? और इसका mainly हम लोग क्या देखते हैं? suffix। इस mainly हमेशा ये कहाँ आता है? suffix में। तो oxyl halide, इसको क्या बोलेंगे? oxyl halide। oxyl halide। और दूसरा नाम क्या है? carbonyl halide। इस mostly ये first ही रहता है, तो prefix में नहीं आता है। साइक्लिक में कार्बोनिल है, कार्बोनिल हैलाइड ये साइक्लिक है। यस, दिखाइए। यस सर। तो लिखना ही है? हाँ लिखना है। यस यस, ओइल हैलाइड, ओइल हैलाइड। पर सर कार्बोक्सिल एसिड और ये दोनों हो तो प्रीफिक्स नहीं आएगा? नहीं, ये मोस्टली फर्स्ट ही रहता है, नंबर वन रहता है, ये जहां से चालू होगा। ओके सर। ऑयल हैलाइड और दूसरा क्या है? कार्बोनिल हैलाइड। इसको फर्स्ट सिंपल एग्जांपल इसका लेते हैं हम लोग। इसको क्या बोलेंगे? इथेनॉल हैलाइड। यस, ऑयल हैलाइड। तो दो कार्बन आइटम क्या आएगा? इथेनॉल हैलाइड, क्लोराइड। क्लियर है? यस। ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड, ये सफिक्स है। और अगर ऐसा रहता तो मिथेनॉल, मिथेनॉल क्लोराइड, ये सफिक्स है। क्लियर? यस। इस तरीके से फिर एक इसका हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर ले लेते हैं बेंजीन पे। इसका नाम क्या आएगा? कार्बोनिल क्लोराइड आएगा कि नहीं? क्योंकि बेंजीन में, अब बेंजीन से आएगा इसलिए बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। It's called this benzyl carbonyl chloride.
सर हमेशा क्लोराइड रहेगा या ब्रोमीन आयोडीन वो सब आ सकता है? मैंने सिर्फ क्लोराइड लिया, कुछ भी ले सकता हूँ। ओके किसने किया? यस सर। किसी का बात नहीं है तो बोलो जल्दी लिखो। वन मिनट क्या बोल रहे हैं? हो गया। नेक्स्ट लिखो एस्टर। एस्टर में क्या था फंक्शनल ग्रुप? सीओ ओआर है ना? यस सर सीओ। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका सफिक्स क्या होगा? ओएट। सफिक्स क्या है एस्टर में? Wait. और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे yes. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइक दिस। इसको ओ आर है, ये क्या है हमारे पास? ओ आर। तो अल्कोक्सी, व्हाट इज दिस? अल्कोक्सी। और इसको क्या बोलेंगे? अल्कैनोइड। इसको क्या बोलेंगे? अल्कैनोइड। अल्कैनोइड। ओके, सो फाइनल नाम क्या हो जाएगा? अल्कोक्सी अल्कैनोइड। ओआर वाला अल्कोक्सी। ओके, और बाकी जो बचा है वो अल्कैनोइड। जैसे एग्जांपल, जस्ट थोड़ा बहुत ये भी डिफिकल्ट है थोड़ा सा, एग्जांपल हम देख लेते हैं। Yes. तो ये अल्कोक्सी है कि नहीं? ये क्या हो गया? Yes. मिथॉक्सी। और यहाँ पे एक कार्बन आइटम है, मिथेनोएट। क्लियर? यस सर। एग्जांपल टू सर, लॉन्गेस्ट होगा वो ओएट आएगा ना? इस जो ओ से अटैच है डायरेक्टली वो अल्कोक्सी हो जाएगा। यहाँ पे लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट नहीं है, जो अल्कोक्सी हो जाएगा। ओके यस, लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट नहीं देखना है यहाँ पे। ये क्या आएगा? इथॉक्सी मिथेनोइड। नहीं नहीं, दो कार्बन आइटम है, लॉन्गेस्ट चेन में दो है, तो इथेनोइड। क्लियर? यस यस। इसको लिख दो, ये एस्टर का ऐसा नाम करना है, एस्टर को इस तरह से नाम देना। ओके, तो एग्जांपल थ्री लिखा। CH3 इथॉक्सी आएगा कि नहीं? प्रोपेनोइड। यस और नो? यस, इथॉक्सी प्रोपेनोइड। ये क्या आएगा? इथॉक्सी। और बाकी सब कार्बन एटम के लिए क्लियर है? यस। जस्ट एस्टर का नोमेनक्लेचर में किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। लिख दिया ये? सर वन मिनट। नहीं तो वन मिनट। जस्ट लिख। यस सर। हाँ सर। हाँ बोलो। Yes, amides. Amide में फंक्शनल ग्रुप क्या था? CONH2 है ना? CONH2। अब इसका सफिक्स क्या आएगा? अमाइड। और दूसरा कार्बोक्सामाइड। यस, सिंपल ले लेंगे पहले HCONH। इसका नाम क्या है? मिथेमाइड। मिथेन अमाइड। माइड। यस। तो दूसरा एग्जांपल CH3CONH2। ये क्या आएगा?
इथेनामाइड. यस इथेन अमाइड. अमाइड क्या है? यस थर्ड एग्जांपल बेंजीन रिंग वाला लेते हैं. क्या है ना बेंजीन कार्बोक्सामाइड. यस ये लिख दो. यस अमाइड का नोमेनक्लेचर ऐसे होगा. यस सर. हो गया सेवन. सर. यस सर डन. ओके यस. तो क्या बचा अभी हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया सर. सल्फोनोइक एसिड. क्या? सल्फोनोइक एसिड बचा. यस सल्फोनिक एसिड. ओके यस. और दूसरा एसिड एनहाइड्राइड भी बचा. यस इसको लिखो एसिड एनहाइड्राइड. एसिड एनहाइड्राइड. तो इसका क्या आएगा? ऑइक एनहाइड्राइड. और फिक्स क्या आएगा? ऑइक एनहाइड्राइड. ऑइक एनहाइड्राइड. और फंक्शनल ग्रुप तो पता ही है इसका. थ्री डबल बॉन्ड ओ थ्री डबल बॉन्ड. क्लियर? यस. यस तो इसका नाम क्या आएगा? हमारे पास ब्यूटेनोइक हाइड्राइड. दो कार्बन है इथेनॉइड एंड हाइड्राइड. ये फर्स्ट एग्जांपल. अब एग्जांपल के लिए ऐसा रहेगा बेंजीन रिंग. बस लेफ्ट में यस एक ही साइड का गिन निकल जाए. ओके सर. क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चाहिए तो ही आएगा है ना. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो इतना yes. बनेगा. ये साइड के बीच में ऑक्सीजन आ गया तो नहीं बनेगा. ओके सर. जस्ट तो ये क्या आएगा? बेंजीनोइक एनहाइड्राइड. बाइक एनहाइड्राइड. दिस इज बेंजीन. तीनों तीसरा वाला एक मिक्सचर लेते हैं जिसमें बेंजीन भी हो और अल्काइल ग्रुप भी हो. यस तो इसका क्या आएगा? बेंजोइक इथेनॉइक भी आएगा एनहाइड्राइड. दोनों का मिक्सचर. ओके सर. क्लियर है? इसमें नंबर नहीं दिखाने का कि इथेनॉइक किस नंबर पे है. नहीं. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाला एनहाइड्राइड. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाला एनहाइड्राइड ऐसा. यस. देखो ये yes. लिख दिया पूरा सर. वन मिनट. यस सर. हो गया. इसका नेक्स्ट लिखो फिर सल्फोनिक एसिड. ये बच गया था ना हमारा. यस सल्फोनिक एसिड. ये सेकंड हो गया. सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? यस. और इसका सफिक्स भी क्या आएगा? सल्फोनिक एसिड. सफिक्स क्या आएगा? सल्फोनिक एसिड. और ये फंक्शनल.
दिस इज द फंक्शनल ग्रुप. ओके, तो मान लो कुछ इस तरह का है CH3CH2. तो इसका नाम क्या करेंगे हम लोग, नंबरिंग कहां से करेंगे? राइट टू लेफ्ट. यस, एक कार्बन कम बना दिया मैंने, एक हाइड्रोजन कम. इसका नाम क्या आएगा? थ्री मिथाइल. थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है. यस, स्टार मतलब ब्यूट, ब्यूट वन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड. इसका नाम ऐसा आएगा, ब्यूटेन वन सल्फोनिक एसिड, ब्यूटेन वन सल्फोनिक एसिड. क्लियर है? यस. इसके पहले ऐसा रहता तो इसका नाम क्या था? नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से. क्लियर है? राइट टू लेफ्ट. यस. तो नंबरिंग आप देखो यहां से करेंगे. देखो मैं दो तीन चॉइस देता हूं, वन टू थ्री, ऐसा नंबरिंग होगा ये लॉन्गेस्ट चेन. दूसरा पॉसिबिलिटी है, नो सर, रुको रुको, नंबरिंग ऐसा, और एक पॉसिबिलिटी ब्लू कलर में दिखा रहा है, वन टू थ्री फोर, ये सही है. कौन सा सही है, ब्लू या रेड? सब ब्लू वाला, ब्लू वाला. अब यहाँ पे कार्बन को नंबर वन आने का कोई जरूरत नहीं है. यहाँ पे मैंने क्या बताया था, लोएस्ट आना चाहिए, याद है? यस, लोएस्ट आना चाहिए, मैंने रूल्स में लिखाया था. इसमें कुछ ऐसा फर्स्ट नंबर वन नंबर का इसका कोई जरूरत नहीं है, लोएस्ट नंबर चाहिए इसको. क्लियर है? यस. तो ब्लू वाला कैसा है? करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि लोएस्ट होना चाहिए. यहाँ पे क्या होना चाहिए? लोएस्ट, लोएस्ट ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए. तो क्या आएगा ये? थ्री मिथाइल ब्यूटेन टू सल्फोनिक एसिड, ब्यूटेन टू सल्फोनिक एसिड. यस, लिख दो ये. तो सबका सब फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने ले लिया है ना? Yes. इसको भी आप कवर्ड ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स. अब देखो ये सिर्फ तुम्हें गाइडलाइन देने के लिए था कि इस तरह से हम लोग करेंगे. तो थोड़ा सा मैंने ऐसा एग्जांपल्स दिया जिससे तुम्हें समझ में आया कि हाँ ऐसा कुछ होता है. क्लियर है? Yes. ये सब हार्ड लगा क्या किसी को? सर स्टार्टिंग में हार्ड था, अभी इजी लग रहा है. Yes, अभी तो इजी लग रहा है. ठीक है, एक मिनट, इसे मैं फोटो है वहां से बाकी है 20 1 से लेकर 2 9. यस, अच्छा फीचर देखा मैं ये, मतलब अगर मान लो रब भी करो तो ये सेव करके पहले वाला भी दिखाता है. मैंने जो रब कर दिया था वो दिख रहा है. ज़ूम, इसका टोटल कितना पेजेस हो गया? 29 1 18 19 20 21. ठीक है, तो ये सबको समझ गया यहाँ तक? यस, समझ गया. अब और थोड़ा हम लोग नोमेनक्लेचर लेते हैं, सम मोर नोमेनक्लेचर. फुल स्क्रीन में सब ठीक है, काम हो रहा है. एस्केप टू डबल स्टेप.
स्क्रीन दिख रहा है अभी? नो सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा। जैसा भी दिख रहा है? नो। अभी पावर पॉइंट दिख रहा है क्या ये? नो सर, कुछ भी नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है? Yes sir, now it is visible. तो अब हम लोग और नोमेनक्लेचर का एग्जांपल लेते हैं। तो देखो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम लोग ने क्या किया था, रूल्स देखा था। तो फर्स्ट रूल लॉन्गेस्ट चेन रूल, यस और नो, सबको याद है? Yes. दिख रहा है ये? Yes sir. Yes, longest chain. फिर इसके बाद और कौन सा था? लोएस्ट लॉक एंड रूल था। यस, सब्स्टिट्यूएंट किसको बोलते दिख रहा है? पैरेंट चेन किसको बोलते दिख रहा है? तो लॉन्गेस्ट चेन इज कॉल्ड एज व्हाट? पैरेंट चेन। पैरेंट चेन एंड द सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू इट, दे आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट्स। दीज आर सब्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर है? यस यस। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैरेंट चेन निकाला, है ना? Yeah. That was the parent chain. And we have two substituent. Numbering कैसे करेंगे ताकि ये substituent को lowest number मिले? Clear है? Yes. अगर methyl substituent को lowest number मिलना चाहिए, इसलिए sir एक doubt है। हाँ वही बता रहे, रुको रुको। Yes. एक propyl group है, एक methyl group है, yes or no? तो ये numbering सही है या उल्टा numbering सही है? सही है वाला, second वाला। हाँ second वाला, yes, ये वाला सही है, longest chain ये होगा। क्लियर? सात। yes. अब इसमें कितना है देखो? उसमें नौ है। नाइन। क्लियर है? yes. Yes. Okay, तो इसमें ये वाला होगा। क्लियर है? अभी समझ में आया? yes. नंबरिंग ये रॉन्ग चेन। क्लियर हो गया? yes sir, क्लियर। yes. ये करेक्ट चेन। ओके, तो एनिमेशन भी आता है। इस लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट होना जरूरी नहीं है, लेकिन कंटिन्यूस होना चाहिए, समझाइए? यस। लोएस्ट नंबर। अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कौन सा करेक्ट है, बताओ कौन सा करेक्ट है, ऊपर वाला नीचे? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, ऊपर वाला। यस, दे रॉन्ग नंबर, समझाइए? और ऊपर वाला करेक्ट नंबर। क्लियर है? यस यस। इसमें छह है और इसमें कितना है देखो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, दोनों में 6 है। अब सब्स्टिट्यूएंट इसमें कौन सा है देखो? मिथाइल है और दूसरा कौन सा है? इथाइल है ना? और यहाँ पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो कौन सा चूज करेंगे? दो सब्स्टिट्यूएंट वाला या एक सब्स्टिट्यूएंट वाला? दो। ऊपर वाला सही है, नीचे वाला सही है? ऊपर वाला सर। यस, मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लेने। क्लियर है? ऊपर वाले दो सब्स्टिट्यूएंट है, समझाइए? हाँ। नीचे वाले में एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम लोग कौन सा चूज करेंगे? ऊपर वाला। क्लियर है? तो ये गलत है। यस। समझ में आया सबको? हाँ सर। दिखा देखो, सिलेक्ट द वन विद लार्जर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, रूल 4। देखो अब यहाँ पे हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप है ना, तो इसमें डायमिथाइल। yes. का नाम क्या आएगा? डायमिथाइल। डायमिथाइल। यस, ब्यूटेन है और डायमिथाइल, 2.3 डायमिथाइल ब्यूटेन। ये तो हम लोग कर चुके हैं ऐसा एग्जांपल, 1, 2, 3, 4, 5, ये करेक्ट नंबरिंग है, समझाइए? और क्या आएगा? 3.3 डायमिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन, समझाइए? यस, तो कौन सा सही है? 6 वाला, तो ऊपर वाला सही, समझा? Yes. इसमें किसी को भी डाउट है? No sir, no doubt. No sir, no doubt. If anyone has any doubt, then let me know. Simple एकदम. Yeah. Yes sir. अब इसका नाम क्या आएगा? Trimethyl. Yes or no? Yes. 2.5 trimethyl. Yes. Hexane.
यस इसमें क्या आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आएगा देखो तीन तीन दोनों पे तीन नंबर इथाइल तो इथाइल पे yes. हम लोग कहां से चालू करेंगे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट राइट टू लेफ्ट यस राइट टू लेफ्ट क्योंकि ई पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना यस थ्री इथाइल फोर मिथाइल हेक्सेन इज दिस करेक्ट जैसा ये लोग ने लिखा है नो से इनकरेक्ट है यस ये इनकरेक्ट है दोनों में से कौन सा राइट टू लेफ्ट वाला नीचे वाला नीचे वाला यस नीचे वाला करेक्ट है समझा यस अब देखो ये यस ऐसा तब हमारे पास ट्राइथाइल है यस और नो यस ट्राइमिथाइल सॉरी ट्राइमिथाइल और ये जो है ये इसको इसको अलग से हम लोग नाम करेंगे जो पिंक कलर में दिखाया ना इसको IUPAC अलग से नाम करेंगे अलग से तो पहले तो 1 2 3 4 5 6 थे समझाइए अब यहाँ पे फिर से नंबर अलग से नंबरिंग किया तो 1 2 3 और क्या है ये 1-methyl आया ना इसका नाम क्या आएगा 1-methyl प्रोपेन 2 2 6 3-methyl ये तो बराबर है और ऑक्टेन भी बराबर है अब यहाँ बीच में क्या आएगा 1-methyl प्रोपेन Yes. इधर आएगा 1-methyl propyl लेकिन अल्काइल ग्रुप है अच्छा और फोर्थ पे अटैच्ड है तो इसलिए 4-1-methyl propyl octane क्लियर है किसी को समझ आया पिंक कलर ये पिंक कलर में जो लिखा है ना पिंक कलर उसका नाम क्या है पिंक कलर ये पिंक कलर वाले का नाम ये है क्लियर है यस पिंक कलर वाले का ये नाम अल्काइल ग्रुप क्लियर है यस और ऑक्टेन कहां से आया 8 कार्बन चेन से तो ऑक्टेन क्लियर यस यस को किसी को भी डाउट है इसमें कॉम्प्लेक्स नो सर यस इसका नाम क्या होगा देखो अभी यहां पे हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट कौन है ये यस और दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट यस तो इसमें 3 कार्बन मैक्सिमम है कि नहीं तो यहां से 1 2 3 किया अगर तो 2.2 डायमिथाइल आएगा कि नहीं हां 2.2 डायमिथाइल प्रोपाइल और प्रोपाइल ग्रुप है यस और बाकी ये लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहीं से भी करो इसको 5 yes. है ना हाँ 5 मतलब नो नेम और कौन सा ये ग्रुप कौन से पे अटैच्ड है 5 पे फिफ्थ 5 पे अटैच्ड क्लियर है यस तो 5 पे लाए यस तो समझाइए यस yes. तो इसका नाम क्या आएगा किधर गया नाम दिया ही नहीं ठीक है बट समझ में आया कैसा था यस आया एनोटेशन कैसे हटेगा ओके अब ये देखो इसका पिछला एनोटेशन जा नहीं रहा ये देखो ये साइक्लोहेक्सेन है इसमें मिथाइल ग्रुप है अब यहाँ क्या है yes. दो ग्रुप है तो इथाइल और मिथाइल किसको प्रेफरेंस मिलेगा सर मिथाइल को इथाइल ई पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर ई पहले आता है तो 1-ethyl 2-methyl साइक्लोपेंटेन क्लियर यस यहाँ पे क्या आएगा मिथाइल को मिलेगा किसको प्रेफरेंस मिलेगा डाइमिथाइल को ये देखो इधर देखो दो पॉसिबिलिटी है मिथाइल ग्रुप है ये दो मिथाइल है डायमिथाइल है ना यस तो डी पहले आता है डी पहले आता है तो इसको प्रेफरेंस मिलना चाहिए कि नहीं है ना यस और ये गलत है ऐसा नहीं होगा
डाय वाले का डी आई नहीं देखने का, सिर्फ मिथाइल देखने का, मैंने लिखा है बिथाइल, ये डाय टेट्रा ये सब नहीं देखने का, इग्नोर डाय टाय टेट्रा ये सब सेक टर्ट ये सब नहीं देखने का, क्या देखने का, आइसो देखने का, क्लियर है, आइसो वाला देखने का, आइसो क्लियर है, ये गलती मत करो, इसका नाम क्या आएगा बताओ, पहले तो साइक्लोहेक्सेन, क्या है साइक्लोहेक्सेन, नाम कहां से होगा, वन टू ऐसे होगा, क्लियर है, यस, तो वन पे क्या है इथाइल, इथाइल, टू पे क्या है डायमिथाइल, टू कोमा टू डायमिथाइल, क्लियर हो गया, तो दिस इज द आंसर, समझा सर, यस यस सर, सर टू कोमा टू लिखे या सिर्फ टू, अरे ये लोग ने ऐसा नंबर क्यों किया, शायद आगे दिया रहेगा, ऐसा क्यों दिया इसने, टू इथाइल डायमिथाइल क्यों दिया इसने, ये गलत किया सर, क्योंकि हाँ, अरे हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी है ना, एक हाँ से ही टोटल नीचे फोर आ रहा है, ऊपर फाइव आएगा ना, टू कोमा टू प्लस वन फाइव, यस यस यस, वैसे कहीं आएंगे, यस मैक्सिमम, इसलिए मैं बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी है इधर, हाँ देखते हैं हम लोग, तो ऊपर आपने सिर्फ टू लिखा है उधर, टू कोमा टू डायमिथाइल है, लोकेंट के हिसाब से देखा जाए तो मैंने किया उस हिसाब से वन कोमा टू कोमा टू आए, और अगर ऐसे हाँ, तो फाइव होगा, तो वन कोमा वन टू कोमा वन, और इधर फोर, तो ऐसे ठीक है, क्लियर है, तो ऐसे नंबरिंग करो, यस क्लियर है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो लास्ट में था, तो मैंने बताया वो सही है, लेकिन वो लास्ट प्रेफरेंस है, समझ में आ रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लास्ट प्रेफरेंस है, यस, उसके पहले लोएस्ट लोकेंट पे वाला है, यस ठीक है, समझाइए, यस नेक्स्ट, यस सर, इसका नाम भी ऐसे आएगा, ये तो क्लियर है, तो ऑब्वियस है, तो हम लोग कर चुके, ये हम लोग कर चुके, yes. अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, यस टू क्लोरो, क्योंकि ये इसको सीएल को फंक्शनल ग्रुप नहीं माना गया, अब ये एसिल एनहाइड्राइड जैसा है कि नहीं, पर वो नहीं है क्योंकि वहां ऑक्सीजन होता, ये कीटोन जैसा है, आर सी ओ ओ आर, नहीं वो भी नहीं, डायोन, यस दो कीटोन ग्रुप है, यस और नो, और टोटल पांच कार्बन आइटम, पेंटेन 2.4 डायोन, क्लियर है ये, प्रायोरिटी तो मैंने ऑलरेडी बताई, एसिड फिर एसिड एसिड डेरिवेटिव्स फिर नाइट्राइल एल्डिहाइड कीटोन NH2 फिर मल्टीपल बॉन्ड्स डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इसका नाम क्या आएगा, ब्यूट टू इन, यस टू इन, ओ वन ऑल, वन ऑल, समझाइए, ब्यूट इन वन ऑल नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, इसका नाम क्या है, देखो कौन सा प्रायोरिटी है जल्दी बताओ, COH 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 प्रोपेन, प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, है ना, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, समझाइए, एक फंक्शन क्या है, सीनियर, सीनियर वाला रूट नेम में आ गया, सफिक्स में आ गया, और जूनियर वाला प्रीफिक्स में आ गया, क्लियर है, yes. अब यहाँ पे डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगा, ये तो हम लोग कर चुके ऑलरेडी, yes. ये तो आता ही है, अब इसमें देखो OH को प्रेफरेंस मिलेगा, तो OH का क्या आएगा, सफिक्स हो जाएगा, ओएल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, और अमीन ग्रुप, अमीनो, अमीनो हो जाएगा, अमीनो 3 अमीनो ब्यूटेन टू ऑल, टू ऑल, लेकिन ब्यूटेन भी नहीं आएगा, ब्यूट, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन भी आएगा, अल्किन दिखाना है ना, समझाइए, ब्यूट टू टू ऑल, क्लियर है, यस,
अभी इसका नामकरण क्या आएगा? बोलो सर, कीटोन का ऑक्सी हो जाएगा ना? यस, फोर ऑक्सी, फोर ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, यस पेंटेन वन ओइक एसिड, यस ठीक है, क्लियर है, ऑक्सो हो जाता है। कीटोन में क्या हो जाएगा? ऑक्सो। अगर ऑक्सो, कीटोन में हम लोग ने देखा था प्रीफिक्स क्या होता है? ऑक्सो। इसका क्या आएगा? ये अल्कोहल है, यस, वन टू थ्री फोर, तो वन इन ब्यूट, वन इन ओल, और थ्री मिथाइल, तो थ्री मिथाइल ब्यूट, वन इन टू ऑल, क्लियर है? यस यस, ये सबको समझ गया क्या? ये हाँ ना, सच्ची बोलो। यस सर, समझ गया। यस, किसी को भी डाउट है? ये सब में बहुत हार्ड लगा क्या किसी को? नो सर, इजी है। यस, आइसोमर्स क्या है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज आइसोमर्स। लिखो ये, राइट दिस। तो ये पूरा टेबल बनाना है? यस यस, पहले वो डेफिनेशन लिखना है। आइसोमर्स कंपाउंड्स हैविंग सेम आइसोमरिज्म, टॉपिक लिखो, फिर आइसोमर्स लिखो, फिर आइसोमर्स में लिखो compounds having same molecular formula but different structural formulas are called as isomerism. फिर types of isomerism, structural isomerism, stereo isomerism. फिर structural isomerism is divided into five types: chain isomerism, functional isomerism, position isomerism, metamerism, tautomerism. फिर stereo isomerism is divided into two types: conformational and configurational. ये configurationally अली गलत लिख दिया है। यस, अब ठीक है। ये पूरा लिख दो, पहले डेफिनेशन, फिर ये डेफिनेशन लिखने के बाद ये।
लिख दिया। यस, यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर, बट 1 मिनट से लिखना बाकी है। यस, आइसोमर्स अभी हमारा नया टॉपिक है। आइसोमर्स इन इटसेल्फ इज अ न्यू टॉपिक। हो गया सर। आइसोमर्स के बाद हम लोग देखो, पहले मैं सिर्फ बता देता हूं तुम्हें आइसोमर, बाद में तुम लिख लो। देखो चेन आइसोमर्स ये लिख दिया, हो गया सबका, पीछे का पेज है ना? ओके, चेन आइसोमर नहीं बाकी है। हां सर मेरा बाकी है। आइसोमर्स वो होते हैं जिसका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो, स्ट्रक्चर अलग अलग हो। यस, तब देखो चेन आइसोमरिज्म इसमें क्या होगा, चेन में फर्क होगा। किसमें फर्क होगा? चेन में, चेन्स में। ये हम लोग का लॉन्गेस्ट चेन एन ब्यूटेन में कितना है? 4 कार्बन एटम, और यहाँ पे भी 4 ही कार्बन एटम। yes. लेकिन लॉन्गेस्ट चेन में कितने आएंगे? 3। तो ये दोनों आइसोमर्स हैं क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है देखो, दोनों का 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन है ना? Yes. तो दीज आर वॉट चेन आइसोमर्स। क्लियर है? कंपाउंड हैविंग सेम, बोलो नहीं। हाँ लिखो लिखो। यस, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन नंबर ऑफ कार्बन चेन आर नोन एज चेन आइसोमर्स एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड एज चेन आइसोमरिज्म। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरिंग इन नंबर ऑफ कार्बन चेन, ये समझा? यस सर समझा। ऐसे ही और भी तुम बना सकते हो। यस, जैसे सिंपल एग्जैक्ट सेम अगर मैंने लिया एक एग्जांपल, एन पेंटेन है ना, और आइसो पेंटेन। क्लियर है? यस। तो एन पेंटेन कैसा होगा? स्ट्रेट होगा। ये भी होगा कि नहीं? इसका 5 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है? 12। इधर भी 5 कार्बन, हाइड्रोजन कितना? 12। क्लियर है? दोनों एग्जांपल लिख दो। हो गया लिख के? 1 मिनट सर, एक डाउट है। बोलो। तो इसमें पहले CH2 लिखा है, CH3 नहीं आएगा? एक मिनट, कहाँ पे? ये N ब्यूटेन में। हाँ वो लोग ने गलत लिखा। यस, तो गलती से वो लोग ने CH3 को CH2 लिख दिया।